बैक टू माय चैनल। तो आपके लिए रिव्यू करने वाली हूँ मेकअप ब्रशेस। इन्हें मैंने अमेज़न से परचेज किया है। ये एक ऐसे बॉक्स में आया था, ये बॉक्स ऑलरेडी ऐसा ही था, मुझे ऐसा ही रिसीव हुआ। तो ये मैंने परचेज किया है अमेज़न से फॉर 420 रुपीज। ये जेनरिक के फेस एंड आई ब्रशेज है। इसमें 5 फेस ब्रशेज और 5 आई ब्रशेज है। ये एक ऐसे प्लास्टिक में आता है। इन्हें मैं अगर रिमूव करती हूँ तो ये सब 10 के 10 ब्रशेस इंडिविजुअली पैक्ड है। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्रशेस कैसे होंगे। मैंने ये सारे ब्रशेस को अनरैप कर लिया है। जहां पे इन सारे ब्रशेस पे लिखा है अनस्तासिया, पर ये अनस्तासिया के ब्रशेस नहीं है, ये जेनरिक के ब्रशेस है और ये ड्यूप्स है अनस्तासिया के ब्रशेस के। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फेस ब्रशेस। यहाँ पे 5 फेस ब्रशेस है, जिनमें से ये फर्स्ट है एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश। इसकी जितने भी ब्रशेस है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो फ्लैट टॉप कबूकी ब्रशेस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मेकअप के कोई रूल्स तो होते नहीं है। कोई भी ब्रश आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इफ यू आर फाइन विद इट। तो ये फर्स्ट फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है। इसके थोड़े ब्रिसल्स जो है वो थोड़े ऊपर नीचे, अगर मैं उनको काट दूंगी तो इट विल बी फाइन। तो ये फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश आपके फाउंडेशन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड आपको मिलता है ये एक फ्लफी ब्रश है। इसे आप आपके जितने भी ब्लशेस है वो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सेस पाउडर हो या एक्सेस बेक हो आपके फेस पे तो वो आप हटाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द थर्ड ब्रश इज दिस। ये एक टेपर्ड ब्रश, आप इसे आपका कंसीलर ब्लेंड कर सकते हैं, तो ये इसके इस्तेमाल आ सकता है। कबूकी एंगुलर ब्रश है, इसे आप आपके कॉन्टोर कर सकते हैं। फेस ब्रश है ये एक फ्लफी एंगुलर कबूकी ब्रश, कर सकते हो आपके ब्लश लगाने के लिए या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट है वो लगाने के लिए। ये कॉन्टोरिंग के भी काम आ सकता है बिकॉज दिस इज एंगुलर। द नेक्स्ट आर आई ब्रशेस। यहाँ पे आपको एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश मिलता है आई के लिए, एक टेपर ब्रश है। ये एक फ्लैट एंगुलर ब्रश है, ये एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है और ये भी एक एंगुलर फ्लफी ब्रश है। इसका क्वालिटी गाइस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है बिकॉज एज यू कैन सी ये थोड़ा सा वॉबली है, इसे कोई चीज से ठीक करना पड़ेगा। एनीवे फॉर द प्राइस इट इज फाइन आई फील। सो द फर्स्ट इज दिस। ये एक फ्लफी ब्रश है, इसे आप आपका जितना भी क्रीज कलर है वो ब्लेंड कर सकते हो। ये क्रीज कलर के ब्लेंडिंग के लिए काम आता है। ये टेपर ब्रश काम आता है आपको जितना भी आई शेडो आपके आई के नीचे ब्लेंड करना है या फिर आपको आपका काजल स्मज करना है उस चीज के लिए ये काम आएगा। नेक्स्ट आर द एंगुलर ब्रशेस। ये दोनों ही एंगुलर ब्रशेस है। ये या तो आपके आई के नीचे जितना भी कंसीलर है वो ब्लेंड करने के लिए यूज हो सकता है ये दो ब्रशेस, या फिर आप कॉन्टोरिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर आई प्राइमर लगाते हो तो आपके आई प्राइमर को ब्लेंड करने के लिए ये दो ब्रशेस काम आ सकते हैं। एक फ्लैट एंगुलर ब्रश है, इसे भी आप सेम ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ये मल्टीपर्पस ब्रशेस है जितने भी आई ब्रशेस है एक्सेप्ट फॉर दिस वन। इसे आप सिर्फ आपका जितना भी लोअर लैश लाइन का कलर है वो या काजल स्मज करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आप सारे या तो आपका कंसीलर ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप आई प्राइमर लगाओ वो ब्लेंड कर सकते हो, क्रीज कलर्स ब्लेंड कर सकते हो, नोज कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर सकते हो। ये सारे मल्टीपर्पस ब्रशेस है। तो अब बात करते हैं इन सारे ब्रशेस की क्वालिटी की। यहाँ पे आप अगर देखोगे, आई डोंट नो वेदर द कैमरा विल पिक अप और नॉट, थोड़े बहुत ब्रशेस के जो ब्रिसल्स है वो थोड़े ऊपर नीचे है, पर अगर मैं उनको काट दूँ, ये सारे फेस ब्रशेस के साथ वही है, थोड़े ऊपर नीचे है, अगर मैं उनको काट दूँ तो ये फिर बेटर होगा। टॉकिंग अबाउट द ब्रिसल्स, अगर मैं इसको पुल करती हूँ तो कोई भी ब्रिसल्स निकल नहीं रहे है, बट जो आई ब्रशेस की क्वालिटी है वो थोड़ा सा, अगर आप इसको देखो तो ये थोड़ा बहुत टेढ़ा है। जो आई ब्रशेस है अगर मैं उनके ब्रिसल्स निकालने की कोशिश करूं तो वो भी निकल नहीं रहे।
मैं ये प्लास्टिक और मेटल की जॉइनिंग की बीच की बात करूं तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। फाइनल थॉट्स इन ब्रशेस के बारे में ये है कि आपको 10 ब्रशेस मिल रहा है 420 रुपीज में अमेजोन से, 5 फेस ब्रशेस एंड 5 आई ब्रशेस इज अ प्रीटी गुड डील। तो रेकमेंड करूंगी कि आप ये ब्रशेस खरीदें। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव मोर नोटिफिकेशंस ऑफ माय फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।